हेलो दोस्तों, आप लोगों को सेल्फ ग्रो चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स के पेज नंबर 177 की एग्जांपल नंबर 10.1 और एग्जांपल नंबर 10.2। ये दो क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 10.1 के पास। ये दो न्यूमेरिकल है। दोनों न्यूमेरिकल के बनाने के पहले हम एक फार्मूला पर ध्यान देंगे जो आप लोगों को सभी को बता होना चाहिए, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और f क्या है? फोकस, फोकल लेंथ कितना है उसका, a होता है। और दूसरा है मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलते हैं न्यूमेरिकल को बनाते समय तो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 10.1 में ए कन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। 3 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या चीज दिया हुआ है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है, पोजीशन फाइंड करना है कि कहाँ पे इमेज का पोजीशन बन रहा है, उसका कैसा नेचर है, समझ रहे हैं, कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। एंड साइज ऑफ द इमेज की बात की जाए, वो कैसा है, बन रहा है, ये हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना है, 3 मीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 3 मीटर दिया हुआ है। और कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर कुछ इस लाइक होता है, इस तरह का होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है इसका, समझ रहे हैं। क्योंकि ये पूरा क्या है, शेप्ड देता है इमेज का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है, तो आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी डिस्टेंस हम लेंगे इसके पॉजिटिव होगा। ये मान लीजिए ओरिजिन है आपका, ये कोऑर्डिनेट है वाई है, एक्स वाई डैश है, एक्स है, आई एक्स डैश है, समझ गए, एक्स एक्स डैश है, आई वाई आई डैश है। ये आपका क्या है, पोल है, पोल से एक लाइन लीजिए। तो जितना भी डिस्टेंस इधर होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जितना डिस्टेंस हम इधर लेंगे, मतलब इसके इधर, मतलब क्या होगा, राइट साइड ऑफ द ए मिरर का, वो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और इधर वाला जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव लेंगे, समझ रहे हैं। इधर से जितना भी डिस्टेंस होगा, और ऊपर क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जितना भी होगा वो पॉजिटिव लेंगे ऊपर, समझ रहे हैं। और नीचे वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम नीचे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, समझ रहे हैं। तो जितना भी, मतलब यहां से क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना भी डिस्टेंस इधर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्स इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ रहे हैं। इधर एक्स एक्स पॉजिटिव होता है, जिधर इतना डिस्टेंस ये इस तरफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल को बनाते समय, समझ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस तरफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, समझिए। लेकिन और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। जो बस क्या है, बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, 5 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या होगा, 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर रखा हुआ होगा, बस किधर आ रहा होगा, इधर इमेज का, तो क्या लेफ्ट साइड में होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट ही साइड में होता है उसको यू क्या होगा। तो डिस्टेंस हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये ओरिजिन से क्या है, लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे आप ओरिजिन होता है, इसके साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यू क्या हो गया आपका, नेगेटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि यू क्या हो गया आपका, नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो ले रहे हैं क्या हो रहा है, डिस्टेंस ले रहे हैं हम क्या, ओरिजिन से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा लेफ्ट साइड में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो गया। अब बाय द मिरर फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, समझ गया। आप एक चीज यहां से जान लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर है, एफ बराबर होता है r/2, समझ गए। तो एफ बराबर r/2 आपको पता है, तो r कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बाय 2 कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। ये क्या होता है, रिलेशन होता है एफ और r/2 के बीच में। तो 1.5 क्या हो गया, 1.5 मीटर ये फोकल लेंथ आ गया। और तो चलते हैं हम क्या करते हैं,
वन बाई भी आपका कितना आया, वन बाई भी आपका निकालना है, वन बाई यू कितना आया है, वन माइनस फाइव, और वन बाई एफ क्या है, एफ भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1.5। अब क्या कीजिए, वन बाई भी बराबर वन बाई 1.5, ए फाइव को उधर ले जाइएगा कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ 10 आ गया, अब 10 आ गया तो क्या होगा, 15 और 5 कैल्सियम 15, 10 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3, तो आप कीजिएगा कितना आ गया 13/15। ये क्या आ रहा है, वन बाई भी का वैल्यू आया आपका कितना 13/15, तो वन बाई भी बराबर क्या आ गया 13/15, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप उल्टा कीजिए तो 15/13 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1.15 मीटर। ये क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि इमेज जो बनेगा आपका किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव किधर होता है और इधर होता है, ओरिजिन से इधर होता है, तो पॉजिटिव क्या बता रहा है कि राइट साइड में आपका इमेज बन रहा है, और कितना दूरी पर बन रहा है 1.15 मीटर पे बन रहा है। दूसरा फाइंड आउट करना है कि उसका नेचर कैसा होगा, तो बता दिए नेचर क्या होगा, ये हमेशा इरेक्ट इमेज को फॉर्म करता है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज तो आप पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर हम बताएं अभी, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस वी बाई यू, तो वी कितना निकला है आपका, वी निकला है कितना माइनस देके 1.15, ये आपका माइनस आ गया, और वी कितना इतना, और इमेज डिस्टेंस कितना है आपका, इमेज डिस्टेंस आपका माइनस 5 मीटर है, तो आप माइनस 5 मीटर लिखिए आ गया। अब देखिए क्या हो गया, आप इसको माइनस कट गया प्लस हो गया, ऊपर नीचे कटा, ये कितना हो गया, आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ से आप क्या कीजिए पॉइंट हटाइए, जैसे यहाँ पर 1.15 है, यहाँ 5 है, पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से 2 को 0 नीचे आएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 0.23। और 0.23 क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन बता रहा है, मतलब क्या हो गया, जितना मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, मतलब इमेज क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, और कितना घटेगा 0.23 फैक्टर, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया आपका, तो यही बता रहा था कि पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज आएगा तो क्या लिखिएगा, साइज ऑफ द इमेज जो होगा आपका, जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा आपका 0.23 स्मॉलर होगा, समझ गए, जितना ऑब्जेक्ट का स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज से 0.23 क्या होगा स्मॉलर होगा, तो ये आपका हो गया। नेचर पूछेगा तो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या थी, मतलब नेचर की बात हो गया। पोजीशन आएगा तो आप बता दीजिएगा कितना 1.15 मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.2, इसका हम बात करते हैं कि क्या है 10.2। देखिए क्या दिखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। कहां पे स्क्रीन को रखा जाए कि वो शार्प इमेज, मतलब कहां पर, मतलब इमेज बनेगा, यही बताना है हमको। फाइंड द नेचर, उसका नेचर की बात करना है, साइज ऑफ द इमेज, नेचर में जब भी आएगा तो मतलब कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ये नेचर होता है उसका इमेज का, समझ गया, साइज ऑफ द इमेज हमको निकालना है, समझ गया। तो चलिए इसका हम क्या क्या जो जितनी दिया हुआ, हाइट ऑफ द इमेज क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द इमेज आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। जब भी आप क्या है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, दिस इज कॉनकेव मिरर, आपका कॉनकेव मिरर है। अब क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर रखते हैं, ऊपर जितना भी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, जितना भी होगा। अभी बताएं कि क्या है वाई एक्स, इसको यहाँ पर एक लाइन खींचिए, इधर जितना ई एक्स मान लीजिए इस लाइन को, ये वाई वाई मान लीजिए, वाई जो होता है क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, समझ रहे हैं, वाई जो ऊपर होता है क्या होता है पॉजिटिव, और नीचे लेते हैं क्या होता है नेगेटिव होता है, समझ गए। तो जितना तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा -25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द होगा, तो 25 सेंटीमीटर हो गया आपका। और क्या दिया हुआ है,
15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका क्या चीज दिया हुआ है, फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है। फोकल लेंथ क्या होता है इसका, नेगेटिव ही होता है, किसका नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर के, तो माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब आप जानते हैं मिरर फार्मूला के द्वारा क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है। आप इसको लगाइए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर क्या हमको यही निकालना है, 1/f माइनस 1/u, तो 1/f, f के जगह कितना रखिएगा माइनस 15, अब u के जगह कितना रखिएगा माइनस 25, रखिएगा माइनस 25। अब देखिए क्या होगा, यहां से आपका ये माइनस को ऊपर कर दीजिए, तो माइनस 1/15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या 1/25। अब क्या होगा 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75, अब 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, यहां से 1/v का जो वैल्यू आपका आएगा, ये 1/v का ही वैल्यू आ रहा है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस 2/75। जब इसको आप कीजिएगा ऊपर, वी को ऊपर कर लीजिए और इसको उल्टा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 75/2, मतलब माइनस 75/2 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस आ गया, माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा, इधर ही बनेगा, समझ गए, लेफ्ट साइड में ही क्या बनेगा इमेज बनेगा, किसका, कॉनकेव मिरर का, ये जो कॉनकेव मिरर है आपका, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा इमेज बनेगा, और कहाँ बनेगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप क्या है, मैग्निफिकेशन बराबर आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर क्या जानते हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बाई यू, जो चीज दिया हुआ है कर लेते हैं, हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है, तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है प्लस 4 सेंटीमीटर, तो प्लस 4 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए यहाँ से, ये दिया हुआ है, समझ गए। और भी निकालने कितना माइनस 37.5, तो माइनस तो आएगा ही, अब भी की जगह क्या आएगा माइनस 37.5 जो दिया हुआ है, समझ रहे हैं। यू कितना निकाले हैं, यू आपका दिया हुआ है माइनस 25 सेंटीमीटर, तो ये लिख लीजिए माइनस 25 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, प्लस प्लस कट गया, अब क्या आएगा, और ये आप क्या कीजिएगा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, ये इसको उधर ले जाएगा 4, ये तो माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस ये नहीं कटा है, माइनस रहेगा ही, 4 को इधर ले जाइए 37.5/25 हो जाएगा, पॉइंट को हटाइए यहाँ 10 उतारिए, कितना हो जाएगा 25 को बार में लगाइएगा इसको, तो कितना होगा 15 आ जाएगा, आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60, माइनस 60/10, माइनस 60/10 मतलब क्या हो गया माइनस 6, तो कितना आ गया आपका माइनस 6 आ गया है, साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज आया है आपका, हाइट ऑफ द इमेज ही निकाला है माइनस 6, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया आपका माइनस 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया माइनस 6 सेंटीमीटर। माइनस 6 के मतलब क्या होता है, माइनस 6 के मतलब होता है नीचे ही बनाएगा, जितना भी क्या होता है नीचे नेगेटिव मानते हैं, समझ रहे हैं, तो नीचे नेगेटिव होता है, समझ गए, जो भी इमेज नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ई एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो कितना हो गया माइनस 6 सेंटीमीटर। अब कैसा बनेगा, पहले 4 सेंटीमीटर का था, अब कितना हो गया है, पहले 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, अब कितना हो गया इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ है, इमेज क्या हुआ है, इनलार्ज हुआ है, पहले से बड़ा हुआ है, तो इसको क्या होगा इनलार्ज इमेज बन रहा है। अब कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यह नीचे बन रहा है, तो इसका इमेज क्या होता है इन्वर्टेड होता है, ये सब आपका क्या हो गया नेचर हो गया, रियल भी बनेगा इसमें, समझ गए, तो ये आपका क्या हो गया नेचर हो गया, नेचर ऑफ द इमेज, समझ गए, हाइट ऑफ द इमेज माइनस 6 हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 था, तो क्या हो गया इनलार्ज बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।